हाय गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस, कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कैमरा सेंसर को लेके मतलब कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में कुछ लोगों का ये सोचना है कि मतलब अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे तो आपके फ़ोन का कैमरा बेटर परफॉर्म करेगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हो, मतलब आप सही भी हो और आप गलत भी हो। अब गलत मत समझना, मैं आपको इस वीडियो में सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि आपके फ़ोन का कैमरा कितना बेटर है वो डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा है, बिकॉज उसी के बेसिस पे ISP कितनी है ये पता चलता है। ISP की फुल फॉर्म होती है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। इसके बारे में आपको अगर पूरे डिटेल में चेक करना है तो आप गूगल पे सर्च करके पूरे आर्टिकल रीड कर सकते हो। एक बात और, मैं आपको हमेशा से ही कहता आया हूँ कि फ़ोन का कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे ब्रांड ने इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग पे कितना ध्यान दिया है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज इस वीडियो में मैंने डिसाइड करा कि मैं मेगापिक्सल्स कंपेयर करने वाला हूँ। तो मैंने जिन फोन्स को पिक करा है उसमें सबसे पहले आता है MI Note 10, या फिर आप इसको MI Note 10 Pro भी कह सकते हो। इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F1.69 अपर्चर और सैमसंग आइसोसेल HMX कैमरा सेंसर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है मेरे पास POCO X2, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F1.89 अपर्चर। सोनी IMX686 कैमरा सेंसर इस फोन में दिया गया है। और उसके बाद मैंने पिक करा है सैमसंग S10 Lite को, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद F2.0 अपर्चर। इसमें सोनी IMX586 कैमरा सेंसर दिया गया है। और 12 मेगापिक्सल के लिए मैंने वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन पिक करा है, जो है सैमसंग Note 10। कंफ्यूज मत होना, ये सैमसंग Note 10 है, सैमसंग Note 10 Lite नहीं है। अब गाइज, इससे पहले मैं आपको हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस दिखाऊं, मैं आपको दो कैमरा सैंपल्स ऐसे दिखा रहा हूँ जो मैंने इन चारों ही फोन से HDR मोड ऑन करके कैप्चर करे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे चेक करना चाहता था कि इन फोन के कैमरास डायनामिक रेंज कैसी कैप्चर करते हैं। तो फर्स्ट सैंपल शॉट में आप नोटिस करोगे चारों ही पिक्चर्स में स्काई में जो कलर्स हैं वो चारों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, डायनामिक रेंज अच्छी कैप्चर करी है। बट दोनों कार के सेंटर में अगर आप बाइक की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी बेटर मेंटेन्ड है। सैमसंग Note 10 की इमेज में सैमसंग Note 10 की इमेज थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर पिक्चर्स। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में अगर आप बिल्डिंग की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो चारों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। इवन स्काई की तरफ अगर आप देखोगे तो क्लाउड्स की जो हाइलाइट्स हैं वो चारों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। अमेजिंग डायनामिक रेंज कैप्चर करते हैं इन चारों ही फोन के कैमरास। बट सैमसंग नोट 10 की इमेज में स्काई के जो कलर्स हैं वो अगेन थोड़े बेटर मेंटेन्ड है। तो गाइस, जैसे कि आपने इन दोनों सैंपल शॉट्स में नोटिस करा कि सैमसंग नोट 10, जिसका प्राइस 65 to 70,000 रुपीज है, उसने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। अब चलते हैं मेगापिक्सल वॉर की तरफ। तो गाइस, इस सैंपल शॉट में अगर आप नॉर्मल डिस्टेंस से देखोगे ना इन चारों ही पिक्चर्स को, तो डिफरेंस बताना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने इस इमेज को 200% से ज्यादा जूम करा है और अब भी कोई मेजर डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं करा है। बट जब मैंने 500% से भी ज्यादा जूम करा ना, तब मैंने नोटिस करा कि जैसे जैसे मेगापिक्सल्स इंक्रीज हो रहे हैं उतनी ही ज्यादा शार्प इमेज आपको देखने को मिल रही है। और कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब जो सैमसंग नोट 10 की इमेज है उसमें डिटेल्स मिसिंग है, वेयर एज सैमसंग S10 Lite की इमेज में टेक्स्चर और पैटर्न थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है और POCO X2 की इमेज में टेक्स्चर और पैटर्न थोड़ा सा और बेटर मेंटेन्ड है एज कम्पेयर टू सैमसंग S10 Lite। बट इन चारों पिक्चर्स में से सबसे ज्यादा शार्प इमेज MI Note 10 ने कैप्चर करी है, जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया गया है। अब गाइस, नेक्स्ट सैंपल शॉट में आप नोटिस करोगे कि सैमसंग नोट 10 ने डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर कैप्चर करी है, ओवरऑल इमेज बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू अदर पिक्चर्स। बट यहाँ पे हम डायनामिक रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। कीपिंग दैट असाइड, अगर मैं इस इमेज को 200% जूम करूँ तो अगेन डिफरेंस नोटिस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन 500% से भी ज़्यादा जूम करने के बाद अब आप नोटिस करोगे कि जो टेक्स्ट है वो सैमसंग नोट 10 की इमेज में थोड़ी सी मतलब डिटेल्स मिसिंग है और सैमसंग S10 Lite और POCO X2 की इमेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब जो टेक्स्ट है वो शार्प है। लेकिन MI Note 10 Pro की इमेज में अगेन जो टेक्स्ट है वो इतना ज़्यादा शार्प है कि लिटरली आप एक एक अल्फाबेट को इजीली रीड कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फोटोग्राफी करना पसंद करते हो। अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हो मतलब जिसको हाई रेजोल्यूशन पे, हाई मेगापिक्सल पे पिक्चर्स कैप्चर करना पसंद है, तब आपके लिए MI Note 10 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज बाकी कैमरा सैंपल्स देखते हैं और फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। अब गाइस, मुझे पता है कि हम सबको ही पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करना कितना ज़्यादा पसंद है। ऐसे में इस सैंपल शॉट में सैमसंग नोट 10 और MI Note 10
टेलीफोटो लेंस का यूज करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए, जो अराउंड 55 mm फोकल लेंथ पे पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, जो काफी क्लोज है एक DSLR की फोकल लेंथ से। और यही एक रीजन है कि सैमसंग नोट 10 और MI नोट 10 की जो इमेज है उसमें मेन सब्जेक्ट बैकग्राउंड से थोड़ा पॉप आउट होके आता है, ओवरऑल इमेज देखने में ज्यादा नेचुरल लगती है। वेयर एज सैमसंग S10 लाइट और पोको X2 प्राइमरी सेंसर का यूज करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए, चारों ही फोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, इवन बैकग्राउंड ब्लर भी चारों ही पिक्चर्स में काफी नेचुरल है। लेकिन अगर मैं आपको इस इमेज को जूम करके दिखाऊं तो सरप्राइजिंगली मतलब पोको X2 की इमेज ज्यादा शार्प है अगर मैं कंपेयर करूं बाकी तीनों ही पिक्चर से। लेकिन अगर किसी एक को पिक करना हो तो ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, मुझे हमेशा से ही टेलीफोटो लेंस वाले पोर्ट्रेट शॉट्स बेटर लगते हैं। तो सैमसंग नोट 10 और MI नोट 10 में से अगर किसी एक को पिक करना हो तो MI नोट 10 की इमेज ज्यादा शार्प है, वेयर एज सैमसंग नोट 10 की इमेज में मेन सब्जेक्ट थोड़ा सा सॉफ्ट आया है। अब गाइस फाइनली ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है लो लाइट में, और फर्स्ट सैम्पल शॉट जब मैंने कैप्चर करा तो लाइट इनफ थी। और इस सैम्पल शॉट में अगर आप सैमसंग नोट 10 की इमेज में इस एरिया में ध्यान से नोटिस करोगे ना स्टेयर्स की तरफ, तो सैमसंग नोट 10 की इमेज थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड है अगर मैं कंपेयर करूं बाकी तीनों ही पिक्चर से। लेकिन नेक्स्ट इमेज मैंने कैप्चर करी है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में, और यहाँ पे मैंने पोको X2 की इमेज में काफी नॉइस नोटिस करी है, वेयर एज बाकी तीनों ही पिक्चर्स में नॉइस काफी कंट्रोल में है, नॉइस बहुत ही कम देखने को मिली है। लेकिन अगर किसी एक को पिक करना हो तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो MI Note 10 की इमेज बेटर एक्सपोज आई है बाकी तीनों ही पिक्चर से। अब गाइस ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी ना तो ऑरेंज कलर की स्ट्रीट लाइट ऑन थी इस टाइम पे, और इस सैंपल शॉट में आप क्लियरली नोटिस करोगे कि पोको X2 की इमेज में थोड़ा सा रेडिश टिंट देखने को मिला है। अगर आप डार्क एरियाज में शेडोज की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो सैमसंग S10 लाइट और MI Note 10 की इमेज काफी बेटर एक्सपोज आई है एज कंपेयर टू बोथ द अदर पिक्चर्स। लेकिन अगर आप बोल्ड की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, MI Note 10 की इमेज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आई है, और यहाँ पे मैं क्लियरली सैमसंग S10 लाइट को ही पिक करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने नाइट मोड एनेबल करा उसके बाद आप नोटिस करोगे चारों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज आई हैं, और वो जो MI Note 10 में बोर्ड ओवर एक्सपोज आया था वो इशू नाइट मोड एनेबल करने के बाद फिक्स हो गया है। तो नाइट मोड इन चारों ही फोन्स में प्रॉपरली वर्क करता है, बट पोको X2 में थोड़ा सा रेडिश टिंट देखने को मिला है, और मेरे अकॉर्डिंग पोको को इस इशू को फिक्स कर देना चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। तो गाइस इन सभी कैमरा सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आपके फोन में हाई मेगा पिक्सल्स हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट फर्क आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उस इमेज को 500% से भी ज्यादा जूम करके ना देखो, जो नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि कोई कंज्यूमर करता होगा। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा कैमरा वो है जो डायनामिक रेंज अच्छे से कैप्चर कर पाए और फोन में टेलीफोटो लेंस हो, सो दैट जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो देखने में ज्यादा इंप्रेसिव लगे। ये जो ब्रांड्स आजकल फालतू के मतलब अल्ट्रा मैक्रो सेंसर इंक्लूड करने लग गए हैं ना अपने फोन्स में, जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमारे फोन में 4 कैमराज है या फिर 5 कैमराज है, ये अल्ट्रा मैक्रो सेंसर को हटा के अगर ब्रांड्स फोन में टेलीफोटो लेंस इंक्लूड करना स्टार्ट कर देना तो वो कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वेल एक डाउट मैं आपका और क्लियर कर दूं कि MI Note 10 का कैमरा सच में बहुत अच्छा है, मतलब अगर ये फोन इंडिया में 25,000 से 28,000 रुपए का लॉन्च हो जाता है ना, तो अगर किसी कंज्यूमर की मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। और इस फोन की जो वीडियो क्वालिटी है ना गाइस वो सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। इस फोन की वीडियो क्वालिटी को आप किसी भी फ्लैगशिप फोन जैसे कि सैमसंग नोट 10 हो गया, आईफोन 11 प्रो हो गया, उससे कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज उतनी ही शार्प वीडियो MI Note 10 भी कैप्चर कर लेता है। और यही एक रीजन है कि DxO मार्क पे MI Note 10 को इतनी हाई रेटिंग मिली है। और गाइज MI की तरफ से, Xiaomi की तरफ से कोई पेड वीडियो नहीं है, बस जो मैंने फील करा वो आपको ऑनेस्टली बता दिया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द न्यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।